हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। यदि आपने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो नहीं देखा है और कुछ इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी बताया गया था, तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख ले। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार से सॉल्व किया गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों 3x/1 + 2x⁴ dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इस प्रकार किस प्रकार से करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 3x/1 + 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2x² और इसका स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए, बस इतना ही इसमें समझना है। 2 को आप इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, √2² यानी √2 × √2 यानी क्या गया 2, यानी 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 और इसका स्क्वायर। और यहाँ पर x की पावर 4 था, यहाँ पर x की पावर 2 और 2, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से दोस्तों देखिए, यहाँ पर √2x² को लेट कर लेंगे टी, LET लेट, और लेट मतलब क्या हो गया, माना, यानी इसको मान लिए। अब जिसको लेट करते हैं हमेशा उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलज करते हैं, यानी इसको डिफरेंशिएशन कहिएगा। तो √2 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो dx² / dx और इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, dt / क्या होगा, dx। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 और x² का डिफरेंशिएशन। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n × x^n-1, क्या होता है n × x^n-1। तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे और इंटू में x^2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा यानी 1 बचेगा। और यहाँ dt / क्या आएगा दोस्तों, dx। तो यहाँ से अगर आप dx का वैल्यू निकालते हैं तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt / 2 को पहले कर देंगे तो √2x आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या निकाल लिए, dx, यानी क्वेश्चन में जहां पर dx होगा वहां लिख देंगे dt / √2x। तो अब यहाँ पर देखिए, लिखते हैं प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, आप ध्यान से इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से शुरू नहीं, यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो आएगा 3x/1 + में √2x² का वैल्यू क्या लेट किए हैं, टी लेट किए हैं, तो टी करेंगे और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। और dx का वैल्यू निकाले हैं dt / √2x, तो यहाँ लिख देंगे dt / √2 और x, तो x क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप ये कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, तो 3/√2 को बाहर निकाल देंगे तो 1 + t² dt आ गया। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन का हम फॉर्मूला बताए हैं, क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो इसके स्थान पर क्या लिख दीजिएगा, tan इनवर्स x + कांस्टेंट। तो x के स्थान पर इसमें क्या है, t है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 3/√2 और इनटू में इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x, तो x के स्थान पर क्या है, t है, तो t लिख देंगे प्लस कांस्टेंट। और t के स्थान पर क्या लेट किए थे, √2x² लेट किए थे, तो यहाँ रख देंगे यानी 3/√2 tan इनवर्स t। तो t के स्थान पर जाएगा √2x² और प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है x² / 1 - x^6 dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, एक स्टेप इसमें भी क्वेश्चन में कर देंगे। तो x² / लिखेंगे 1 - x^6 है, तो 3 और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और इंटू में dx। तो x³ को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे टी, यहाँ पर लिख देंगे LET लेट, और लेट मतलब क्या हो गया, माना हो गया। तो यहाँ पर जिसको लेट करते हैं हमेशा उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी जिसको मानते हैं उसका अवकलज ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे dx³ क्या लिखेंगे, dx, और यहाँ पर लिखेंगे dt / dx। तो यहाँ पर देखिए, अभी बताया है x^n का डिफरेंशिएशन होता है n × x^n-1, तो 3 में से 1 जाएगा यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। और यहाँ पर dt / क्या आएगा, dx, यानी कि यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेंगे तो जाएगा dt / 3x² आ जाएगा, तो dt / 3x². तो यहाँ पर प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख देंगे प्रश्न से
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, फिर से क्वेश्चन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय वन माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर और इंटू में क्या है डीएक्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और वाटा में वन माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर, तो एक्स क्यू के स्थान पर क्या लेट किए हैं बताइए, एक्स क्यू के स्थान पर लेट किए हैं टी, तो यहाँ पर लिख देंगे टी और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और इंटू डीएक्स, तो डीएक्स के स्थान पर मान क्या निकला है डी टी बाई थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे डी टी बाई थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, थ्री को बाहर कर देंगे तो वन बाई थ्री बाहर करेंगे तो वन बाई वन माइनस टी स्क्वायर और यहाँ क्या लिखेंगे डी टी, तो वन है तो इसको वन का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कोई जो है इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये बच ये फॉर्मूला आ गया वन बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है वन बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम फॉर्मूला का लिस्ट बता चुके हैं पहला वीडियो में, यानी इसका पार्ट वन एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट वन वीडियो आप देख लीजिए, उसमें सब फॉर्मूला बताया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है वन बाय टू ए लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स मोड में और प्लस में क्या आएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो वन बाय थ्री तो पहले से कॉन्स्टेंट है तो इसको पहले से लिखेंगे और वन बाय टू ए तो एक स्थान पर क्या है वन है तो यहाँ वन लिखेंगे तो वन लिखेंगे और लॉग है तो लॉग ए प्लस एक्स तो ए के स्थान पर क्या है वन है तो वन प्लस एक्स के स्थान पर क्या है टी है और इसके बटा में ए माइनस एक्स तो वन माइनस क्या जाएगा टी और प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या जाएगा इसका आंसर वन बाई थ्री और टू को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा और लिखेंगे लॉग वन प्लस टी तो टी के स्थान पर क्या लेट किए हैं तो बताइए एक्स क्यू लेट किए थे तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स क्यू लिख देंगे और इसके बटा में वन माइनस क्या लिख देंगे एक्स क्यू और प्लस में कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये इस सवाल का आंसर हो गया, तो आप जो है इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, तो क्वेश्चन नंबर सेवन है x माइनस वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ध्यान से इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और इंटू में क्या होगा डीएक्स हो जाएगा। तो अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो अलग अलग कीजिएगा तो एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स आएगा माइनस वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और क्या जाएगा डीएक्स हो जाएगा, यानी डीएक्स से एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए डीएक्स से एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों सब दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं, यहाँ वन है तो आप वन को वन का स्क्वायर लिख दीजिएगा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर आ गया एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स और माइनस वन बाय ये फॉर्मूला होता है दोस्तों वन बाय रूट अंडर ध्यान से देखिए वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है ए स्क्वायर और प्लस में कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो वन के स्थान पर यानी ए के स्थान पर क्या है वन है तो सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लॉग हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस तो माइनस और वन का स्क्वायर और प्लस में क्या लिख देंगे कॉन्स्टेंट लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन को लेट कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या करेंगे लेट कर लीजिए तो लेट क्या करते हैं टी तो टी लेट कर लीजिए लेट मतलब क्या हो गया माना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जिसको लेट करते हैं उसका क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो यहाँ पर रहेगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और माइनस में डी वन बाई डी एक्स और इक्वल टू डी टी बाई क्या रहेगा दोस्तों डी एक्स। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन यानी टू इंटू एक्स के पावर टू में से वन माइनस कीजिएगा तो वन बचेगा और अचर पद यानी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन अचर पद का अवकलज क्या होता है जीरो और डी टी बाई क्या आएगा डी एक्स आएगा, यानी कि आप ध्यान से देखिए इसी को अभी यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा टू एक्स इक्वल टू डी टी बाई क्या आएगा डी एक्स, यानी कि यहाँ से आप डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो डी एक्स इक्वल टू आएगा डी टी बाई क्या आ गया टू एक्स आएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न से, यानी प्रश्न से चलने का मतलब यहाँ नहीं यहाँ से चलेंगे तो इधर वाला वैल्यू को चेंज करते चलेंगे और जैसे रहेगा उसी तरह उसको नोट करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
प्रश्न से क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, प्रश्न में दिया हुआ था एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स और माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लेट किए हैं, टी लेट किए हैं, यानी इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे और इंटू में डी एक्स। तो dx का वैल्यू क्या निकला है, dt by 2x और माइनस log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस कॉन्स्टेंट। अब आप ध्यान से देखिए, x से x क्या रहेगा, कैंसिल रहेगा, यानी 1 by 2 रूट अंडर t और यहाँ पर dt और माइनस log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन अगर रहेगा 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। यानी ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आया कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स, तो 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट अंडर एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट। इसको आप डायरेक्ट इसके स्थान पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स, और चूंकि पहले से इसमें कॉन्स्टेंट लिखे हुए हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, वन बाई टू रूट अंडर एक्स का रूट अंडर एक्स, तो वन बाई टू रूट अंडर टी का रूट अंडर टी हो जाएगा और माइनस में लॉग एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर देखिए टी, तो टी के स्थान पर क्या लेट किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पुट कर देंगे यानी एक्स इसका मान रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस में वन और माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये इस सवाल का आंसर हो गया, तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। तो क्वेश्चन नंबर एट कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स टू द पावर सिक्स प्लस ए टू द पावर सिक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, आप ध्यान से इधर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय एक्स के पावर सिक्स है, तो एक्स के पावर सिक्स को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स क्यू और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में ए के पावर सिक्स है तो इसको भी ए क्यू और इसका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तीन और दो को मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्या जाएगा, सिक्स आ जाएगा। यहाँ पर थ्री और टू को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एक्स क्यू को लेट कीजिए, तो एक्स क्यू को अगर लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं, टी, एल ई टी, लेट, और लेट मतलब क्या हो गया, माना। यानी अगर एक्स क्यू को लेट करते हैं तो जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी एक्स क्यू, तो डी एक्स क्यू बाई क्या जाएगा, डी एक्स और इक्वल टू डी टी बाई क्या जाएगा, डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, तो तीन में से एक जाएगा तो दो, और यहाँ पर डी टी बाई क्या बचेगा, डी एक्स। यानी कि यहाँ पर dx का वैल्यू अगर निकालिएगा तो dt टी वाई क्या जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, तो dt टी वाई थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न से लिखेंगे तो प्रश्न से पता है कि आपको कहाँ प्रश्न लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, तो फिर से इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स क्यू का स्क्वायर, तो एक्स क्यू का स्क्वायर लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, प्लस में ए क्यू का स्क्वायर, तो ए क्यू का स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखेंगे, dx। तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर एक्स क्यू, तो एक्स क्यू को क्या लेट किए हैं, t लेट किए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे t स्क्वायर और प्लस में ए क्यू का स्क्वायर और इंटू dx, तो dx का वैल्यू क्या निकला है, dt टी बाई थ्री एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे dt टी बाई थ्री एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो वन बाई थ्री को बाहर कर देंगे, तो बच गया वन बाय रूट अंडर टी स्क्वायर और प्लस में ए क्यू और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर और यहाँ पर डी टी। अब बताइए यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो एक फॉर्मूला बताया है वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट। सिंपल सा ध्यान रखना है कि माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस। तो पिछला क्वेश्चन में माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई किए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे वन बाय थ्री और लॉग एक्स, तो एक्स के स्थान पर क्या होगा, टी होगा, तो यहाँ टी लिखेंगे और प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पर यहाँ क्या है, ए क्यू है, तो यहाँ लिख देंगे ए क्यू और इसका स्क्वायर और प्लस क्या जाएगा, कॉन्स्टेंट। यानी टी के स्थान पर क्या लेट किए हैं, तो टी के स्थान पर एक्स क्यू लेट किए हैं, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो यहाँ पर जाएगा वन बाई थ्री
log t, तो एक्स क्यू और प्लस में रूट अंडर टी, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यू और इसका स्क्वायर और प्लस में a के पावर तीन और दो को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो छह हो जाएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट। इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, तीन दुना कितना हो जाएगा छह हो जाएगा, तो आप छह यहाँ पर लिख दीजिए, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा वन बाई थ्री लॉग एक्स क्यू प्लस में रूट अंडर एक्स के पावर में सिक्स प्लस ए के पावर सिक्स और प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये इस सवाल का आंसर आ गया, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, यानी क्वेश्चन नंबर नाइन कुछ इस प्रकार से है, सेक स्क्वायर एक्स वाई रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर है। इसको क्या करेंगे, इसको सिंपल सा नजर आ रहा होगा, यहाँ पर क्या करेंगे टेन एक्स को लेट कर लीजिए। तो अगर आप टेन एक्स को लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे टी लेट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे टी एल ई टी लेट, मतलब क्या हो गया माना। अब यहाँ पर देखिए जिसको लेट करते हैं उसका क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, यानी लिख देंगे डी टेन एक्स बाई क्या लिखेंगे डी एक्स और इक्वल टू डी टी बाई क्या होगा डी एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे और डी टी बाई क्या लिखेंगे डी एक्स। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी एक्स का जो वैल्यू आएगा डी टी वाई का आएगा सेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स। तो अब चलते हैं प्रश्न से, तो यहाँ प्रश्न से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट अंडर, बताइए यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स है तो फिर से यहाँ पर लिख दीजिए टेन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए प्लस में फोर और इंटू में डी एक्स। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट अंडर टेन एक्स, तो टेन एक्स को क्या लेट किए हैं स्मॉल टी लेट किए हैं, तो स्मॉल टी रख देंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर होगा, फोर को आप किसका स्क्वायर कर सकते हैं बिल्कुल सही बोले टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ टू का स्क्वायर और इंटू में डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वन बाय रूट अंडर टी स्क्वायर और प्लस में टू का स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ गया डी टी। तभी तुरंत फॉर्मूला बताया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर रहेगा वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। एक्स के स्थान पर टी है और ए के स्थान पर कितना है दो है, तो यहाँ पर लिख देंगे लॉग एक्स, तो एक्स के स्थान पर टी प्लस रूट अंडर टी का स्क्वायर और प्लस में दो का स्क्वायर, टी का यहाँ पर क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है और प्लस में कॉन्स्टेंट आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे टी के स्थान पर क्या लेट किए थे, तो टी के स्थान पर लेट किए थे टेन एक्स लेट किए थे, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन एक्स और प्लस में क्या लिखेंगे रूट अंडर टी स्क्वायर, तो टेन का स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स और दो का स्क्वायर चार और प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये इस सवाल का आंसर हो गया, तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, तो क्वेश्चन नंबर टेन देखने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टेन से जो है ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसा जो मान फंक्शन दिया हुआ है जिसका परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग करके उसके बाद जो है इंटीग्रेशन करना है समाकलन करना है। तो आप ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पूर्ण वर्ग करने के लिए यानी परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए स्क्वायर, जहां d का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला d का निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर टेन को दो तरीका से परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं यानी पूर्ण वर्ग कर सकते हैं, तो अभी दोनों तरीका हम बताने वाले हैं, एक फॉर्मूला की सहायता से कर सकते हैं एक ऐसे ही कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर टेन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर टेन है वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस में टू और इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो दो तरीका से हम इसको बनाते हैं, अभी किस प्रकार से दो तरीका से आप इसको पूर्ण वर्ग कर सकते हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए और पहले हम इस तरीका को बताते हैं उसके बाद दूसरा तरीका को बताएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स और प्लस में क्या है टू है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के इंटू में कुछ नहीं तो क्या है वन है, तो यानी कि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है यानी एक्स स्क्वायर के इंटू में यहाँ वन है, यहाँ एक्स स्क्वायर के इंटू में क्या है ए है, यानी यहाँ से ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा दोस्तों ए का वैल्यू सही बोले वन निकल जाएगा, यहाँ x के इंटू में b है यहाँ x के इंटू में दो है यानी b का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा दो निकल जाएगा
और सी, तो लास्ट में यहाँ सी है, यहाँ लास्ट में क्या है, दो है, तो दो निकल गया। यानी सबसे पहले आपको ए बी सी का मान निकालना है, उसके बाद डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी के स्थान पर क्या रखेंगे, टू रखेंगे, तो टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, तो ए का मान क्या है वन है, तो वन लिखेंगे, और इंटू में सी का मान टू है, तो यहाँ पर टू का स्क्वायर माइनस फोर, और फोर में टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा एट, यानी कितना आ गया माइनस फोर आ गया, फोर में से एट माइनस करेंगे तो माइनस फोर क्या आ गया, डी का मान आ गया। तो अब इस फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, यानी इसके स्थान पर इसको अप्लाई कर देंगे, डी का मान हमेशा आपको निकाल लेना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यही फिर से वैल्यू लिख देते हैं, तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स और प्लस में क्या है टू है, इक्वल टू फॉर्मूला में ए है, तो ए का मान यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एक निकाल रहे हैं, तो यहाँ एक लिखेंगे, वन लिखेंगे, और एक्स प्लस में बी, तो बी का वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, दो है, तो दो है, और इसके बाटा में दो इंटू ए, तो ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान वन है, तो वन लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, और डी, तो डी का मान माइनस चार है, एक पहले से माइनस था, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस चार, और इसके बटा में फोर इंटू ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है वन है, तो वन रख देंगे, यहाँ पर वन का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे, यानी कि ये टू से टू क्या आएगा, कैंसिल आएगा, वन में मल्टीप्लाई किया तो उतना ही होगा, तो वन को हटा दीजिए, तो एक्स प्लस वन बाई वन, तो सीधा वन लिखेंगे, और इसका स्क्वायर, और माइनस क्या आएगा, प्लस फोर बाई फोर आएगा, और इसका जो है क्या आएगा, कैंसिल आएगा, यानी कि आ गया एक्स प्लस में वन का होल स्क्वायर और प्लस में वन, तो वन लिख देंगे, और वन को आप वन का स्क्वायर लिख दीजिएगा, इससे कोई चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि इसको जो है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू के स्थान पर क्या रखना है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर। तो ये पहला तरीका हुआ कि इस वैल्यू को पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका बताते हैं कि इस वैल्यू को इतना ही मान किस प्रकार से लगाता है, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम केवल दो तरीका से बता देते हैं, उसका अगला क्वेश्चन से केवल एक ही तरीका को अप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं या लिख देते हैं, या यहाँ पर लिख देते हैं और, यानी दूसरा तरीका हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस में टू, तो इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से आप सोचिए, यहाँ पर सोचना पड़ेगा, इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं, सीधा सूत्र में मान रखिए, डायरेक्ट आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पर x को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x का स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से, प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन, तो वन कहाँ से लाया था, अपना मन से लिख दिए हैं, टू एक्स में, टू में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू होगा इंटू एक्स, यानी टू एक्स, और प्लस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट में जो वैल्यू आएगा, यानी यहाँ वन आ रहा है, तो वन का स्क्वायर ऐड करेंगे और वन का स्क्वायर माइनस करेंगे, और लास्ट में यहाँ पर क्या है टू है, तो यहाँ पर टू रहने देंगे। यानी कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो बताइए ए के स्थान पर यहाँ पर क्या है एक्स है, तो एक्स लिखेंगे, और बी के स्थान पर यहाँ पर क्या है वन है, यानी ये फॉर्मूला आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा वन होगा और प्लस में टू होगा। तो अब ध्यान से देखिए एक्स प्लस में वन का होल स्क्वायर और टू में से वन माइनस होगा तो प्लस में वन और इसका होल स्क्वायर, यानी कि वन स्क्वायर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर बाद में लिख करके बताते हैं। तो यानी इसका जो वैल्यू आएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में इस वन को आप क्या लिख सकते हैं वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इतना प्रोसेस किए, ए निकाले, बी सी डी निकाले, इसके बाद इस फॉर्मूला आपको अगर याद है तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, इसमें अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट जो है इसका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का वैल्यू आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। और इस तरीका में क्या है, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का वैल्यू निकल गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस में वन का स्क्वायर। तो आप दोनों में से जो आपको इजी तरीका लगे, दोनों में से कोई तरीका को अप्लाई करके आपको हर सवाल में इसी प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर कर देना है, और इसके बाद जो है सवाल में जो है डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले आप इसमें नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं।
तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो है मान निकाले हैं, उसके बाद आपको नीचे से पेज पर लिखना है प्रश्न से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो प्रश्न दिया हुआ है आप फिर से प्रश्न को लिख दीजिए। तो प्रश्न को फिर से लिखिएगा तो 1/√ क्या था, एक्स स्क्वायर था प्लस में 2x था प्लस में 2 था और यहाँ पर dx। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका को अप्लाई करके इसका वैल्यू जो निकाले हैं उसको यहाँ पर रख देंगे। तो इसका वैल्यू अभी आपके सामने हम निकाल करके बताए हैं क्या था, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या था 1 का स्क्वायर। कहिएगा ऐसा क्यों निकालते हैं, तो ऐसा इसीलिए निकालते हैं क्योंकि इसका 6 फॉर्मूला होता है जिसमें एक होता है 1/√x² + a² तो अभी इसका इंटीग्रेशन का हम फॉर्मूला भी बताए थे कि 1/√x² + a² का इंटीग्रेशन होता है log x + √x² + a² और प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, x के स्थान पर x प्लस 1 है और a के स्थान पर क्या है 1 है। तो इस फॉर्मूला को अगर अप्लाई कीजिएगा तो आएगा log x, तो x के स्थान पर क्या लिखना है x प्लस 1 और प्लस √x² तो x के स्थान पर यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस क्या जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप और आपको बढ़ाना है, ये फॉर्मूला है तो यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस 1, तो x प्लस 1 और प्लस √, बताइए इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर इस वैल्यू को लिख दिए, यानी इस वैल्यू को इसके स्थान पर लिख सकते हैं, यानी जो क्वेश्चन में वही लिख देंगे x² + 2x और प्लस 2 और प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये इस सवाल का आंसर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार वीडियो चला करके देख लीजिए और आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि इसको किस प्रकार से बनाना है। तो इस दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।